अगर आपने कभी किसी ट्रेन में सफर किया है तो आपने ट्रेनों में ये लिखा हुआ जरूर देखा होगा कि भारतीय रेलवे आपकी अपनी संपत्ति है। रेलवे ट्रेनों में यह लाइन इसलिए लिखती है ताकि लोग ट्रेन की सुरक्षा कर सकें, उसे अपनी संपत्ति समझकर उसमें रखे सामानों का ख्याल रखें। लेकिन कुछ लोग इस बात को इतना सीरियसली ले लेते हैं कि ट्रेनों में रखी चीज को अपनी संपत्ति समझकर उसे उठाकर अपने साथ घर ले जाते हैं। कई बार ट्रेन से बेडशीट, तकिया, चादर की चोरी की बातें सामने आती रहती हैं, तो कई बार ट्रेन के बल्ब और पंखे की चोरी की बात भी सामने आती है। आपने सुना होगा कि अक्सर ट्रेनों में लगे बल्ब और पंखे की चोरी हो जाती है, जिससे रेलवे को सालाना लाखों का घाटा होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस चोरी को रोकने के लिए रेलवे ने जो जुगाड़ लगाया है वह इतना कारगर साबित हुआ है कि अब ट्रेन से बल्ब और पंखे की चोरी लगभग समाप्त हो गई। रेलवे का यह जुगाड़ आपको हैरान कर देगा और आप भी सोच में पड़ जाएंगे कि एक छोटा सा बदलाव करके रेलवे ने इतने बड़े नुकसान को होने से कैसे रोक दिया। जी हाँ, ट्रेनों में लगे बल्ब और पंखे की चोरी को रोकने को लेकर रेलवे ने जो बदलाव किया है वह काफी सामान्य तो दिखता है लेकिन काफी इफेक्टिव भी है। दरअसल ट्रेनों में जो बल्ब और पंखे लगाए जाते हैं वह डीसी यानी डायरेक्ट करंट से चलते हैं, लेकिन ये कोई आम डीसी करंट से नहीं चलाए जा सकते। इसे चलाने के लिए 110 वोल्ट डीसी करंट की जरूरत होती है। ऐसे में अब आप सोच रहे होंगे कि घर पे भी 110 वोल्ट करंट से इन पंखों और बल्ब का इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। आपके घर में जो बिजली आती है वह 110 वोल्ट, 220 वोल्ट या 440 वोल्ट एसी यानी अल्टरनेटिव करंट होता है। आपके घर के सारे उपकरण एसी करंट से चलाए जाते हैं, जिसमें बल्ब, पंखा, रेफ्रिजरेटर, फ्रिज, कूलर इत्यादि शामिल है। तो ऐसे में अगर आप रेलवे के बल्ब और पंखे का अपने घर में इस्तेमाल करना चाहते हैं तब आपको 110 वोल्ट डीसी करंट की आवश्यकता होती है। घरों में मिलने वाला डीसी करंट 12 वोल्ट या 24 वोल्ट का होता है। ऐसे में आप उस करंट के जरिए इन चीजों का इस्तेमाल ही नहीं कर सकते। ऐसे में ट्रेन से बल्ब और पंखे की चोरी करने का कोई फायदा नजर नहीं आता और रेलवे के इस छोटे से जुगाड़ ने इतना बड़ा बदलाव कर दिया कि ट्रेनों से होने वाले बल्ब और पंखे की चोरी लगभग समाप्त सी हो गई है। इतना ही नहीं, अगर आप उस बल्ब और पंखे का इस्तेमाल अपने घर में करना चाहेंगे तो आप उसके लिए आपको विशेष उपकरण की आवश्यकता होगी जो 110 वोल्ट डीसी उत्पन्न कर सके, और यह पूरी प्रक्रिया काफी महंगी होती है। ऐसे में जो लोग पहले ट्रेन से बल्ब और पंखे की चोरी करते थे अब उसका कोई फायदा नजर नहीं आता और रेलवे के इस जुगाड़ ने रेलवे को सालाना होने वाले लाखों के नुकसान से बचा दिया। तो है ना रेलवे का यह कमाल का जुगाड़। लोकल 18 के लिए गुलशन कश्यप की रिपोर्ट।